बेड पर हुई अश्लीलता की सारी हदें पार। गंदे गंदे इशारे देखकर झुक जाएगा आपका भी सिर। रश्मिका मंदाना, कटरीना कैफ और काजोल के बाद अब निशाने पर आलिया भट्ट आ गई हैं। शरारतियों ने आलिया के साथ जो किया है वो इतना घिनौना और अश्लील है कि देखने वालों का सिर भी शर्म से झुक गया है। डीफेक वीडियो की इन दिनों बाहर सी आ गई है और इन्हें बनाने वालों के निशाने पर बॉलीवुड की टॉप हीरोइनें हैं, जिनके चेहरों का इस्तेमाल करके ये लोग अश्लील वीडियोस पर हीरोइनों का चेहरा लगाते हैं और फिर उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। सरकार इस मामले पर सख्त नियम बना चुकी है। इस तरह की वीडियो बनाने पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना और 3 साल की सजा का प्रावधान भी हो चुका है, लेकिन ये मामले रुकने की जगह उल्टा बढ़ते जा रहे हैं और अब इसकी नई शिकार हुई हैं आलिया भट्ट। अब तक एक्ट्रेसेस का एक एक वीडियो ही वायरल हो रहा था, लेकिन यहाँ आलिया के एक दो नहीं बल्कि 3-3 वीडियोस सामने आए हैं। ये वीडियोस सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहे हैं। शरारतियों ने आलिया का चेहरा इतनी सफाई से इन वीडियोस पर लगाया है कि लोगों को लग रहा है कि ये गंदे गंदे इशारे आलिया भट्ट कर रही हैं और इस वजह से आलिया के खिलाफ सोशल मीडिया पर लोग बहुत भद्दा भद्दा लिख रहे हैं और उनके कैरेक्टर पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। जो लोग इस तरह की डीफेक टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं है, उन्हें लगता है कि ये वीडियो खुद आलिया और उनकी जैसी दूसरी एक्ट्रेसेस ने बनाए हैं और इसी वजह से एक्ट्रेसेस का लगातार नाम खराब हो रहा है। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव इसे लोकतंत्र के लिए नया खतरा बता चुके हैं, लेकिन ये मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है और जल्द ही इसे बनाने वाला सलाखों के पीछे होगा। वेल, आप क्या कहेंगे इस पर? अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए और ज्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पे चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए।